ਦੇਸ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਉਡਾਰੀ। पापा, चल। अंकल जी प्लीज माफ कर दीजिए। बेशरम, खुद तो तू बदनाम है ही, मेरी बेटी को भी बदनाम करना चाहता है। जितना किया क्या उससे तेरे अभी भी कलेजे में ठंड नहीं पड़ी? दफा हो जा जहां से, और खबरदार कभी इसके आसपास भी नजर आया तो। प्लीज माफ कर दीजिए, मैं कभी तेजू का बुरा नहीं चाहूंगा। मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं बदल चुका हूं? वाह, तू चाहता है कि मैं सांप का यकीन करूं कि वो डसेगा नहीं? इससे पहले कि मैं कुछ उल्टा सीधा कर बैठूं, दफा हो जा यहां से। अंकल जी आप ऐसा नहीं कर सकते, आप हमें अलग नहीं कर सकते। तेजू और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं, सच्चा प्यार, और जो सच्चा प्यार करते हैं उन्हें रब भी जुदा नहीं कर सकता। सुन रहे हैं आप, रब भी जुदा नहीं कर सकता उन्हें। मना करने के बाद क्यों गई तू उसके पास? बहुत तेज आंधी चल रही थी पापा। तो मरने देती उसे। एक तो वो गलत हरकतें कर रहा और ऊपर से तो बढ़ावा दे रही है उसे। आज तूने मेरा सर शर्म से झुका दिया, और मेरे मना करने के बाद में तो पापा मैं सिर्फ उसकी हेल्प करने गई थी। इतने खराब मौसम में उसे अकेले कैसे छोड़ देती? अंकल जी आप अपनी बेटी को जानते हैं, अब मौसम देखिए, फतेह क्या कोई भी होता ये उसकी मदद करने चली जाती है कि नहीं? जानता हूं मैं, इसलिए डरता हूं अंकल जी कि कोई इसके भोलेपन का ना फायदा ना उठा ले। अरे आप तो अच्छे इंसान है, इसलिए आपने इसे समझा, इसकी बात का मान रखा, लेकिन वो धोखेबाज है। वो मौके का फायदा उठाना चाहता है, और ये उसे अपना प्यार समझ बैठी है। प्यार, और कैसे समझाऊं मैं तुझे? मैं फिर से अपनी बेटी को दुखों के समंदर में डूबता हुआ नहीं देखना चाहता। अंकल जी शांत हो जाइए। जो कुछ भी किया फतेह ने किया, आप उस बात का गुस्सा तेजू जी पे क्यों उतार रहे हैं? इनका दिल तो मोम जैसा है, इन पे नाराज मत होइए प्लीज। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं उसकी बेवकूफियों की सजा अपनी बेटी को क्यों दूं? मुझे अच्छी तरह पता है कि मैंने क्या करना है उसका। मैं फतेह को तो रोक नहीं सकता, लेकिन तुझे तो रोक सकता हूं ना तेजो पुत्र? मेरी सौंख खितवाज के बाद ना तो उसके करीब जाएंगे और ना ही उससे बात करेगी। मैं कह रहा हूं खा मेरी सौंफ, नहीं तो तू मेरा आज मरा हुआ बोल।
नहीं पापा, अगर मेरे ऐसा करने से आपको खुशी मिलती है तो मैं ऐसा ही करूंगी। आई प्रॉमिस, मैं आपकी कसम कभी नहीं तोड़ूंगी। सब क्या कर रहे हो आप? आप जानते हो ना तेजो आपसे कितना प्यार करती है। अरे वो कभी ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे आपका दिल दुखे। फिर आप क्यों उसको कसमों में बांध रहे हो? क्यों कर रहे हो ये सब कुछ? मैं जो कर रहा हूँ ना, उसके भले के लिए कर रहा हूँ। बेबी आप टेंशन मत लो, मैं जल्दी कुछ रास्ता निकालती हूँ। ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। पापा क्यों जिद पे अड़ गए, क्यों ऐसा कर रहे हैं? वो स्वीटी का कॉल आ रहा है, मैं बात करके आती हूँ। हेलो। हाँ पूछो, बोलो। जैस्मिन यार मुझे ना फतेह की बड़ी फिक्र हो रही है। पूजो तुम बार बार ऐसा क्यों बोल रहे हो? मुझे बड़ी टेंशन हो रही है, प्लीज कोई गड़बड़ मत करना पूजो। नहीं नहीं मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। पूजो देखो दिल तो मेरा भी घबरा रहा है, लेकिन हमने उपाय किया है ना, हमें उसका फल जरूर मिलेगा। पापा भी ना एक नई सिद्ध लेकर बैठ गए। तेजो पे कसम चढ़ा दी है पापा ने कि अगर फतेह को देखने की या उससे मिलने की कोशिश करे तो वो पापा का मरा हुआ मुंह देखेगी। तेजो बेचारे करे भी क्या? आज मैं आप सबको ना गलत लग रहा हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि फतेह तेरे लिए बिल्कुल सही नहीं है। वो तुझे कभी भी खुश नहीं रह सकता, लेकिन कल को आप लोग भी मानोगे कि मैंने जो भी किया वो अच्छा किया। लेकिन आज के लिए पुत्र, इसके लिए पुत्र मुझे माफ कर दे। होए फतेह जी सब कर रहे। गुरप्रीत फोन कर फतेह को और बोल के घर वापस चल दिया है। ऐसे जोर जबरदस्ती रिश्ते बनते नहीं बल्कि और बिगड़ जाते हैं। सॉरी जी, मैं नहीं करूंगी फोन। इस लड़ाई में मैं फतेह के साथ हूं। प्यार से मना के देख लिया ना उसने, क्या फायदा हुआ? अब जो कुछ भी वो कर रहा है ना, सोच समझ के ही कर रहा होगा। मत रोकिए उसे। एक तो मुझे संधु साहब का समझ में नहीं आता, क्यों इतनी जिद पकड़ के बैठे हैं? बेचारी तेजो का पता नहीं क्या हाल होगा। मम्मी जी, पापा जी, मैं एक बार तेजो के पास जा सकती हूँ क्या? हाँ पुत्र तू जा, तेजो बहुत अकेला महसूस कर रही होगी। अमरीक जा छोड़ के आ इसको। कितनी बारिश हुई है आज, उसके टेंट में तो पानी भर गया होना। गुरप्रीत तू चाहे जितना मर्जी उसका साथ दे ले, चिंता तो तुझे भी हो रही है। माँ हूं ना जी, चिंता कैसे नहीं होगी? पता नहीं हमारे फतेह की किस्मत में क्या लिखा है। क्या बात है, आजकल ना दिन देखते हो ना रात, ना आंधी की परवाह है ना तूफान की परवाह है। बड़ा लगाव हो गया इस घर से। लगाव तो अपनों से ही होता है फतेह, तुम तो जानते हो। अब संधू परिवार मुझसे इतना प्यार करता है, मैं क्या लकी मी। पर ये सब क्या यार, खत्म करो। अभी तो शुरुआत हुई है, पर तुम इस मैटर से दूर रहो। मेरी लाइफ में पहले ही बहुत उलझन है, मैं तुमसे उलझना नहीं चाहता हूँ। एक बात बताओ, बचपन से ही ऐसे हो या जैस्मिन के साथ रहते रहते इतने अतरंगी हो गए? मतलब? अरे मतलब ये आशिकी, तेरे घर के सामने घर बनाऊंगा, तंबू गाड़ लिया सड़क के बीचों बीच, ये जिद, इन सब की उम्मीद मुझे जैस्मिन से थी, पर तुमने तो उसे भी पीछे छोड़ दिया। मेरे बाबूजी हमेशा कहते हैं कि जिससे जो कुछ सीख सकते हो सीख लो। शायद जैस्मिन से मैंने ये सब सीखा, पाना है तो बस पाना है। यही तो कह रहा हूँ फतेह, कोई वॉर जोन थोड़ी है यार, पाना है, छीनना नहीं है, दिल का मामला है दोस्त, प्यार से नरमी से हैंडल करो ना। मैं तुम्हारी फीलिंग्स, तुम्हारे जज्बात अच्छी तरह समझता हूँ। कुछ नहीं समझते हो तुम, वरना कहीं दिल जले कहीं दिया ये काम नहीं करते।
देखो यार फतेह, मैं तुम्हारा दिल जलाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, ना ही अपने लिए कोई दीप जलाने की कोशिश कर रहा हूँ, ओके? अब तुम मानो या ना मानो, मैं और तेजू जी सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, बस। अच्छे दोस्त हैं या कोई एडवांस टेक्नोलॉजी है जो सिर्फ तुम्हारे पास है? तुम्हें सबसे पहले पता चल जाता है कि तेजू हॉस्पिटल में है या घर पे है, उसका बर्थडे है या प्रमोशन है, सब कुछ तुम्हें क्यों सबसे पहले पता चलता है यार? ये टेक्नोलॉजी हमारे पास क्यों नहीं है? टेक्नोलॉजी किसी की भी हो, तेजू जी सिर्फ तुम्हारी है। ये बात मैं तो अच्छी तरह से जानता हूँ, इस बात का यकीन खुद को दिलाओ तुम। तुम्हें खुद पर कितना भी यकीन हो फतेह, लेकिन तुम्हारी एक गलती, एक, और इन लोगों ने मुझे सर आंखों पर बिठा लेना है। फिर कहीं ऐसा ना हो कि जो दरवाजे तुम पर बंद हुए हैं वो मेरे लिए खुल जाएं। खुले हुए दरवाजे तुम्हें ही मुबारक हो, मेरी एंट्री तो सीधा तेजो के दिल में हो चुकी है। ध्यान रखो अपना, सर्दी लग जाएगी। मुझे इस बंदे पर एक पैसे का भरोसा नहीं है, दोस्त दोस्त कह के पता नहीं क्या कर जाए। मेरे प्यार को इससे बचा के रखना बाबा जी। बाय एमरी। जैसी दिखती है वैसी है नहीं है, बनती बहुत अच्छी है पर सांप की फितरत कभी बदलती नहीं। जैस्मिन, आंख नाक कान सब खुले रखने पड़ेंगे। उसने नकली एक्सीडेंट करके एक बंदे को फंसाया, फिर उसी से शादी कर ली। मुझे तो सिर्फ मरने की एक्टिंग करने को बोला था उसने। अभी तक तेजू जी ने फतेह को इसकी सच्चाई बताई नहीं है। पता नहीं क्या करेगा वो जब उसे पता चलेगा कि उसके जान से प्यारे भाई के साथ जैस्मिन ने क्या किया है। बेचारे फतेह और तेजू, उन्हें तो पता ही नहीं है कि उनके प्यार का दुश्मन उनके आसपास ही मंडरा रहा है। तेजू, अगर किसी भी सूरत में इनका विवाह होता है तो इनके किसी प्रियजन की मृत्यु तय है। फिकर मत कर तेजू, हमने तेरे दर्द का इलाज कर दिया है, अब सब ठीक हो जाएगा। देख तेजू, मैं तुझे कोई भी झूठी तसल्ली नहीं देना चाहती हूँ। ये बात अब तू भी जान चुकी है कि पापा नहीं मानने वाले, और ना ही फतेह कुछ समझने के मूड में। और इन सबके बीच में पिस कौन रहा है? तू, तुझे क्या जरूरत है कसम कुसुम खाने की? तुझे क्या लगता है बहुत आसान है ये सब? रह लेगी तू फतेह से मिले बगैर, उसे देखे बगैर, उससे बात किए बगैर? तेजो, हर बार सबके बारे में सोचना इतना जरूरी नहीं होता है, कभी तो सोच तू अपने बारे में। मैं ये बात समझ गई हूँ जस्सुत, कि पापा और फतेह दोनों ही अपनी जिद नहीं छोड़ने वाले, इसलिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। और मैंने सोच लिया कि मुझे क्या करना है, क्योंकि अब यही एक रास्ता है जिससे पापा और फतेह दोनों ही शांति से रहेंगे। सत श्री अकाल अंगद जी। सॉरी पुत्र जी, आप आए और आपके सामने वो हो गया। हाँ जी बिल्कुल, मिल सकते हैं कल? हाँ कल ही? हाँ घर पे। ठीक है पुत्र जी। अभी अंगद का क्या चक्कर है, क्यों बुलाते रहते हो आप उसको घर पे? मैं अंगद को सिर्फ काम से बुलाता हूँ। मुझे अच्छे से पता है आपको अंगद से क्या काम है। फिर वधिया ना सत्ती, अगर तू समझती है कि मैं अंगद को क्यों बुलाता हूँ यहाँ पे। देख सत्ती, समझ बात को, अगर अंगद तेजो के आसपास रहेगा ना तो तेजो को उसकी अच्छाई नजर आएगी। वो ये समझ पाएगी कि फतेह से कहीं ज्यादा ये बंदा भरोसे के काबिल है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तेजो का मन फतेह से हटकर अंगद के साथ जुड़ सके। मैंने सोच लिया कि पापा की खातिर मैं फतेह को छोड़ दूंगी। ओ, हेलो, कैसी मैगी मैगी बातें करने लगी है तेजू, क्या बोल रही है तू, ऐसे कैसे कर
सकती है जो पागल है। करना पड़ेगा जस्सू, और कोई रास्ता नहीं है। हाँ मैं फतेह से प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन हमारे ये प्यार पापा और फतेह के बीच में नफरत पैदा करते ही जा रहा है। वो दोनों हर्ट है और मैं दोनों में से किसी को भी तकलीफ में नहीं देख सकती, इसलिए मैंने फैसला कर लिया है कि अब मैं ना तो फतेह से मिलूंगी और ना ही उससे बात करूंगी, जी लूंगी उसके और उसके प्यार के बिना। शायद यही सही है पापा और फतेह दोनों के लिए, शायद सबके लिए। और जी अगर ऐसा होना होता ना तो कब का हो चुका होता। तभी हो जाता जब जैस्मिन और फतेह की शादी हुई थी, तभी हो जाता जब हमारी तेजो ने अंगद से झूठी सगाई करके ये घर छोड़ के गई थी, पर ऐसा नहीं हुआ ना। पर आप ये बात थोड़ी समझोगे, आपको तो सिर्फ और सिर्फ अपनी जिद प्यारी है। एक बात बताऊं आपको, तेजो आपसे बहुत प्यार करती, आपकी बहुत इज्जत करती है वो, और आप उसी चीज का फायदा उठा रहे हो। और तुझे लगता है ये सब बहुत आसान है। फतेह तुझसे मिलने की कोशिश नहीं करेगा, वो नहीं आएगा तुझसे बात करने। तू बता तुझे क्या लगता है। जब ये बात उसे समझ आ जाएगी कि मैं उससे मिलना नहीं चाहती, उससे बात करना नहीं चाहती, तो वो खुद ही पीछे हट जाएगा। और कब तक पीछे आएगा। जो मैंने कॉलेज सिर्फ तुम्हारे करीब रहने के लिए ज्वाइन किया है। देखो तू मेरी बात समझने की कोशिश कर, ये उतना आसान नहीं है जितना तू समझ रही है। मैं मानती हूँ तू बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि तू खुद के हाथों से खुद के दिल के टुकड़े कर दे। जिनसे मैं प्यार करती हूँ ना जस्सू, उन्हें हर रोज मरते हुए नहीं देख सकती, और उनकी खातिर अगर मुझे मेरे दिल के हजार टुकड़े भी करने पड़े ना तो मैं करूंगी। पर हाँ, मेरे इस वक्त में मुझे बाबा जी की सबसे ज्यादा जरूरत है। वो मुझे बस इतनी हिम्मत दे कि मैं सब कर सकूं। बस बाबा जी, उस पंडित की भविष्यवाणी सच मत होने देना प्लीज। मैं तो तुझे कुछ बता भी नहीं सकती तेजो, किसी को नहीं बता सकती। ओ बुजो, ओ फतेह मेरे यारा। अबे तू इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है? घर जा, सिमरन दी परेशान हो रही होंगी। तूने पी रखी है, हैं? इतनी किस खुशी में पी है तूने? ओ खुशी में नहीं पिया यार, अब ये अपने यार के गम में पिया मेरे यार। तू पागल है, पहले से आइडियाज देता है कि तंबू लगा ले और फिर मेरी इतनी टेंशन कर लेता है। सुन सुन सुन, देख इस बार तेरा आइडिया काम करेगा, ओके? रूपी अंकल देख अभी नाराज है, लेकिन मान जाएंगे, समझ जाएंगे कि मैं तेजो से कितना प्यार करता हूँ और उसके बिना नहीं रह सकता हूँ। अगर किसी भी सूरत में इनका विवाह होता है तो इनके किसी प्रियजन की मृत्यु तय है। नहीं यार, ऊपर वाले ने कुछ और लिखा है तेरी किस्मत में। तू कहना क्या चाहता है? हे भगवान, ये बोझ नशे में फतेह के आगे कुछ बोल ना दे।